बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक में हो। हमारी ये ख्वाहिश है कि हमारा फार्मर जदीद फार्मिंग की तरफ आए, उसकी मीशत मजबूत हो, लेकिन ये जब होगी जब उसकी सोच बदलेगी, अंदाज बदलेगा। और अगर मेरा फार्मर इस दफ़ा गंदम की बंपर क्रॉप पैदा करने में कामयाब हो जाए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। क्योंकि पिछले साल गंदम की पैदावार डिस्टर्ब हुई थी और हमें इंपोर्ट करनी पड़ी। तो आज जो हमारा मौजू है कि बेहतर पैदावार लेने के लिए अच्छे बीज का तो इंतखाब करना ही करना है, लेकिन उस इंतखाब करने के बाद फिर वो दो अवामल हैं कि पानी और खादों का बेहतरीन इस्तेमाल, इससे आपकी फीकर पैदावार भी बढ़ेगी और मौसमी तब्दीलियों के हवाले से भी उसका मुकाबला किया जाएगा। तो आज हमारे मेहमान हैं आमर सोहेब भट्टी साहब, डिप्टी डायरेक्टर पंजाब सीड कारपोरेशन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या जी अल्लाह पाक। सर आज ज़रा मेरे किसान साथियों को ज़रा ये बताइएगा कि जो उन्होंने गंदम का बीज भी अच्छा ले लिया और सर्टिफाइड बीज काश्त किया है, उसके बाद उसने आपाशी और खादों के इस्तेमाल से जो बेहतर पैदावार लेनी है वो टेक्निक ज़रा उनको बरबर। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने ज़िक्र फरमाया, बीज के बाद जो सबसे ज़्यादा अहमियत की हामल दो अनासर हैं वो पानी और जो खादें हैं, इनका बहुत इम्पोर्टेंट किरदार है जिससे आपकी बेहतर पैदावार हासिल हो सकती है। गंदम की फसल में जो पहला पानी है वो बिजाई के 20 या 25 दिन के बाद ये लगाना चाहिए। ये वो वक्त होता है जब पौधा झाड़ बना रहा होता है, और यहाँ पर अगर पानी आप मिस कर देते हैं तो आपकी पैदावार जो है वो इफ़ेक्ट हो सकती है, कम हो सकती है। इसी तरह से जो दूसरा पानी है वो बिजाई के 80 से 90 दिन के बाद गोब के वक्त ये पानी भी लाजमन इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा जो पानी है वो बिजाई से 125 से 130 दिन के बाद जब फसल जो है वो दूधी हालत पे आती है। ये इम्पॉर्टेंट, इसको हम कहते हैं क्रिटिकल स्टेजेस, इम्पॉर्टेंट स्टेजेस, कि इन स्टेजेस के ऊपर अगर आप पानी मिस करते हैं, ख़ास तौर पे दूधी हालत पर जब फसल आती है, तो अगर पानी गंदम की फसल को ना लगाया जाए तो पैदावार फी एकड़ बुरी तरह से मुतासर होती है। इसके साथ साथ आप मौसम और ज़मीन, इसको भी पानी लगाते वक्त जो है वो मद्देनज़र ज़रूर रखेंगे। खादों के हवाले से, खाद जैसे कि आप इल्म है कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, पौधे को माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है और वो हम खादों के ज़रिए ही पूरा करते हैं। इस सिलसिले में मैं आपको अर्ज़ करता चला जाऊं कि जो हमारे ज़्यादा बारिश वाले इलाके हैं, जैसे सियालकोट है, अटक है, झेलम है, पिंडी है, यहाँ पर आपको 1.5 बोरी DAP या 3 बोरी SSP और उसके साथ 1 बोरी यूरिया, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और हमारे वो इलाके जो कम बारिश वाले इलाके हैं वहाँ पर 1 बोरी DAP और 1 बोरी यूरिया, या उस सूरत में अगर DAP आप की ज़मीनें कलराठी हैं जिनकी जिनमें pH लेवल जिसको कहते हैं वो 7 से ज़्यादा है या 8 से ज़्यादा है, तो वहाँ पर फिर आप SSP का इस्तेमाल करें। कलराठी ज़मीनों में, ये मैं अपने किसान भाइयों को ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि जो कलर वाले इलाके हैं, सफ़ेद कलर वाले इलाके हैं जहाँ पर pH लेवल जो है वो ज़्यादा है, तो वहाँ पर DAP की बजाय आपने SSP या TSP का इस्तेमाल करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे किसान भाई जो हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं अपने मुल्क की अपनी फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाकर मुल्क की इकॉनमी के अंदर अपना कलीदी किरदार अदा करने में, इंशाल्लाह वो मेहनत करेंगे। गंदम जो हमारा इस दफ़ा एक टास्क है कि पंजाब भर के अंदर हमने गंदम की बेहतरीन और ज़्यादा पैदावार हासिल करनी है, जब वो तस्दीक शुदा बीज, पानी, खाद, इसका
बेहतर इस्तेमाल करेंगे तो वो वक्त दूर नहीं है कि हम इस पोजीशन में होंगे कि ना सिर्फ गंदम के सिलसिले में हम अपनी मुल्की ज़रूरियात पूरी कर सकेंगे बल्कि इसके साथ साथ हम गंदम एक्सपोर्ट भी करके एक कीमती ज़र्रे मुबादला जो है वो हासिल कर सकेंगे। सर यहाँ पर ज़रा ये बताइए मेरे फार्मर को कि उसने पानी भी दिया, खाद भी डाली, अच्छे बीज का भी इस्तेमाल कर लिया, लेकिन जो पैदावार को मुतासर करती हैं वो जड़ी बूटियाँ करती हैं। जड़ी बूटियों के ख़त्म के लिए उसको क्या अमली इकदाम करने चाहिए, ज़रा आप उनका रहन करें। हाँ, ये बहुत अच्छा आपका सवाल है और इसमें मैं आपको अर्ज़ करूँ कि गंदम की जो फसल है उसमें दो इकसाम की जड़ी बूटियाँ वो पाई जाती हैं, एक चौड़े पत्ते वाली और एक बारीक पत्ते वाली। अब अगर ये देखा जाए कि इन जड़ी बूटियों को हम अगर ख़त्म नहीं करते तो क्या हमारी फसल इफ़ेक्ट होती है, इस एक रिपोर्ट के मुताबिक कि अगर इन जड़ी बूटियों का खात्मा बर वक्त ना किया जाए तो फ़ी एकड़ पैदावार 14% से लेके 42% और कहीं पर इससे ज़्यादा ये इफ़ेक्ट हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जड़ी बूटियाँ जो है उनकी तलफी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अहम है कि अगर हमने अपनी पैदावार जो है वो बढ़ानी है। इस सिलसिले में मार्केट के अंदर चौड़े पत्ते वाली या बारीक पत्ते वाली जो जड़ी बूटियां हैं उनके जहर मौजूद है, बल्कि अब नई केमिस्ट्रीज हैं जिसके अंदर एक ही जहर में चौड़े पत्ते और बारीक पत्ते दोनों को वो कंट्रोल हो जाती हैं। मेरी किसानों से गुजारिश होगी कि जहां पर आप तस्दीकशुदा बीज इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां पर आप पानी बर वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां पर खाद जो है वो मतवाजन उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पर इन जड़ी बूटियों को जो आपकी फी एकड़ पैदावार को घटाने में बड़ा किरदार अदा कर सकती हैं, उनको तलब करने के लिए भी आपको इकदाम उठाना चाहिए। यहाँ पर मैं आखिरी क्वेश्चन आपसे ये करूँगा, आपने सारी बातें बता दी, पैदावार बेहतर लेने के लिए उसके आइडियल सोइंग टाइम उसको खर्च करना चाहिए, क्या 20 नवंबर के बाद फी एकड़ जो काश्त होती है वो पैदावार कम हो जाती है, और एक बार दिन में कितनी कमी होती है ज़रा मेरे फार्मर को ये भी बता दीजिए, और जो आइडियल टाइम है ज़रा उसमें भी बता दीजिए, क्योंकि हमने बम्पर क्रॉप लेनी है, बम्पर क्रॉप लेने के लिए ये चीज़ें मद्देनजर रखना बहुत ज़रूरी हैं, ज़रा मेरे फार्मर की इस वाले से भी रहनमई की जी। बिल्कुल, जो है टाइम ऑफ सोइंग यानी वक्त काश्त बहुत अहमियत का हामिल है, जैसे पहले मैंने अर्ज़ किया, इसमें जब आप 20 नवंबर के बाद जब आप काश्त करते हैं तो उसमें आपको दो नुकसान होंगे, एक तो ये है कि आपकी पर एकड़ फी एकड़ पैदावार जो है वो कम होगी। इसमें ये कहा जाता है कि एक दिन लेट करने से आपकी 10 से 15 किलो जो है वो पैदावार इफ़ेक्ट हो जाती है अगर आपने 20 नवंबर के बाद काश्त की है। दूसरा ये है कि जितना आप बिजाई को लेट करेंगे उतना आप सीड रेट यानी जो 50 किलो आपने फी एकड़ इस्तेमाल करना था अब 50 किलो की बजाय आपको 60 पे जाना पड़ेगा, और अगर आप मज़ीद लेट होते चले जाते हैं तो 50 किलो या 60 किलो की बजाय फिर आपको 70 किलो पर जाना पड़ेगा। तो इस हवाले से टाइम ऑफ सोइंग वक्ते काश्त ये बहुत कलीदी और अहम रोल होता है बेहतरीन पैदावार लेने के लिए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत मालूमात दी मेरे किसान साथियों। आप इस प्रोग्राम को बार बार देखिए और ये जहन में रखिएगा कि हुकूमत पंजाब का ये टारगेट है कि बम्पर करार देनी है, और ये किसानों आपने देनी है, और खुराक फ्राहम करने की जिम्मेदारी आपके जुम्मे है, आप अपने एंड से काम कीजिए। ठीक है, जो बाद में हाल होता है वो जाने और अल्लाह जाने, हर एक ने अपने अमाल का जवाब देना होना है, हमने अपने अमाल का जवाब देना, हम अपने काम को ईमानदारी से करें, पर जो काम शख्स अपना काम ईमानदारी से करेगा वो चाहे किसान है या वो दफ्तर में काम करने वाला है या वो एक सियासतदान है, उसको उसका अजर मिलेगा और उसके अमाल का उसको अजर मिलेगा। मेरा और आपके ऊपर यकीन काम है, इसलिए हमने अल्लाह के हुजूर जब हाजिर होना है तो हमने अपने अमाल की तैयारी करनी है।
और उसकी तैयारी का मतलब यही है कि आज जो हमारे जिम्मेदारियां लगी हुई हैं, हमारी जिम्मेदारियों को ऐसे तरीके से पूरा करें। मैं किसान हूं तो मुझे वैसे भी किसान अपने फराइज की ईमानदारा तरीके से पूरे करने हैं। अब क्या है, नकाश करनी है तो उसके लिए टाइम, बेहतरीन बीज, बर वक्त पानी और बर वक्त खादों और बर वक्त में वीडी साइज का इस्तेमाल करना मेरी जिम्मेदारियों में शामिल है। और फिर मेरी जो आखिरी बात है वो यही है, फिर मेरे रब की रहमत का मकसद यही है, और मेरा रब अपनी रहमतों की बारिश करता है उस वक्त ही करता है जब फितरत के मुताबिक काम हो रहा हो। झूठ बोलना, मुनाफ़त करना, रियाकारी करना, धोखा देना, किसी का हक खाना, अल्लाह ताला उस पर अपनी रहमतें नहीं बरसाता। तो इसलिए अगर आपकी रहमतें लेनी है तो भी सर काम कीजिए, जब आपकी फसल तैयार हो जाए तो फिर अल्लाह की रहमत उसका हिस्सा निकालिए जो उसके अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है। इसी बात से अपनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।